मेरा बेटा अज्जू। तुम वही हो ना जो रास्ते में? रास्ते में? हाँ, रास्ते में वही जहाँ सड़क की मरम्मत का काम चल रहा था। एक साइड ब्लॉक था और दूसरी तरफ से गाड़ियाँ चली आ रही थी। मेरी गाड़ी ने जब सिग्नल को क्रॉस किया तो इनकी गाड़ी भी सामने से आ गई, जिसकी वजह से वहाँ पर ट्रैफिक जैम हो गया। फिर मैंने देखा फादर है, बुजुर्ग इंसान है, तो मैंने अपनी गाड़ी पीछे ले ली है ना फादर। एकदम सही है माधव, सवाल का जवाब मिल गया मुझे। चक्रव्यूह को भेदने वाला इंसान तो है तुम्हारे पास, यही है वो अभिमन्यु। अगर ये साथ हो तो कोई भी जंग जीती जा सकती है। सही कहा ना? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ना? अब नहीं। देखो, भले ही मैं क्रिश्चियन फादर हूँ, पर भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें मुझे बहुत पसंद है, और इसीलिए तुम्हारे पापा और मैं आज साथ हैं। तुम्हारे पापा की कुंडली में गुरु आठवें स्थान पर है, शनि जन्म स्थान पर है। बहुत सी अनहोनी चीजें भी हो सकती हैं, कोई बड़ी आपत्ति आ सकती है, रिश्तों में दरारें पैदा हो सकती हैं। और अब तुम्हें इस अर्जुन का कृष्ण बनकर इन्हें हर संकट से, हर आपत्ति से तुम्हें बचाना होगा। ठीक है। तुम मार्शल आर्ट सीखे हुए हो ना? बस थोड़ा बहुत सीखा है। थोड़ा बहुत नहीं बेटा, काफी कुछ सीख चुके हो तुम। आप लोग ये क्या बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं, तुम्हें क्या? लज्जो, बड़े जोरों की भूख लगी है, अब खाना खाया जाए। लज्जो। थैंक्स फादर। किस लिए? सुबह जो हुआ वो आपने पापा को नहीं बताया, इसलिए। तुम चाहो जितना भी दान धर्म कर लो, लेकिन एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। वो ऊपर वाला सारे कर्मों का हिसाब रखता है और वो ही रक्षा करता है। किसने कहा है? मैथ्यू गॉस्पेल का 6 अध्याय वर्स 3 और 4 में ऐसा लिखा है। वो चंद्रगिरी का माधव, थू! अच्छा हुआ कि आप लोग समय पर यहाँ पहुँच गए। माधव हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। समझ में नहीं आ रहा था कि उसे रास्ते से कैसे हटाया जाए। अब आप ही लोग कोई रास्ता निकालिए, यही विनती है। वो सब रहने दो, पहले ये बताओ कि बेल्लारी में जो बिजनेस चल रहा है तुम लोगों ने उसके बारे में क्या सोचा है? कर्नाटका के मुख्यमंत्री के अलावा आंध्रा में जो रेड्डी ब्रदर्स हैं, उनके अलावा मगन रेड्डी, उनका बेटा और गुरु एक टीम जैसे हैं। वहाँ हेमलता के गेस्ट हाउस में जब हम रुके हुए थे तब मुझे ये बात पता चली। अरे क्या घर है, हमारे स्टेट का महल भी उसके सामने छोटा पड़ेगा। बेल्लारी में सिर्फ हमारी हुकूमत चलती है, वहाँ पर हमारा राज। भैया हम मिल तो पहली बार रहे हैं, लेकिन पहचान पुरानी है। एक बात समझ लीजिए, चंद्रगिरी का माधव सिर्फ आपका दुश्मन नहीं, हमारा वो पुराना दुश्मन है। अतीत में हमारे बीच ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं जो अभी तक चुभती हैं यहाँ सीने में। हेमलता के यहाँ से जब आप निकल गए, उस समय हम लोग यहाँ स्टेट में नहीं थे, फॉरेन टूर पर गए हुए थे। नहीं तो जानते हैं, हम लोग उसे वही दफना कर फेंक देते। आप सबको माधव से बदला लेना है, और मेरी दुश्मनी तो माधव से बहुत पहले से चली आ रही है, क्योंकि उसने हमारे सारे धंधे बंद करवा दिए और हमें रास्ते पर ले आया। वैसे आप लोग तो बेल्लारी से हैं, तो आपकी माधव से दुश्मनी कैसे? ये एक पुरानी कहानी है, 30 साल पहले ये घटना घटित हुई थी। माधव नाम का एक आदमी सत्ता के बल पर ऐसा मशहूर हुआ कि कोई जवाब ही नहीं, यहाँ तक कि चंद्रगिरी में आज भी हर तरफ उसी आदमी की तूती बोल रही है। माधव के खिलाफ एक आदमी था, सिर्फ वही एक आदमी था जो उस माधव के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखता था, रामदत्त शर्मा, हम तीनों के पिताजी। इस जंग में जीत माधव की हुई और हार हमारे पिताजी की। हारने वाले को अपना घर जमीन छोड़कर जाना था, यही फैसला हुआ था, क्योंकि लड़ने के लिए हथियार नहीं थे उनके पास, तो इसीलिए उन्हें बेदखल होना पड़ा। लॉरी में अपना पूरा सामान भरकर हम तीनों के साथ वो निकल पड़े। पापा के चेहरे पर हार का दर्द महसूस किया जा सकता था। पहले मंगलपुर, फिर मैसूर, और उसके बाद उनकी मौत हो गई। एक सरकारी हॉस्पिटल में एक कोने में बेंच पर उनकी लाश पड़ी थी, कोई भी रिश्तेदार वहां नहीं था, सिर्फ मैं था। अपनी अधखुली आंखों से जैसे वो इशारा कर रहे थे, उनके चेहरे पर सिर्फ एक ही नाम लिखा था, माधव। तब से लेकर आज तक मौका ढूंढ रहे हैं कि कैसे और कब उस तक पहुंचे। पैसा, कुर्सी, ओहदा सब जरूरी थे, हमें पता था कि बदला लेने के लिए बाकी चीजों के अलावा इन सब चीजों की जरूरत हमें पड़ेगी। हम भाइयों ने खूब मेहनत की, हमने अच्छे काम भी किए, बुरे काम भी किए, और आज ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम लोग हासिल ना कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। सर, उस दिन जो सड़क पर झगड़ा हुआ था, वो लड़का मिल गया हमें, वो चंद्रगिरी के माधव का बेटा है। सपोला साहब बने उसके पहले उसका भी सर कुचलना होगा भाई, सही कहा ना? सही कहा ना? हाँ।
आप जानते हैं आते वक्त मैं क्या सोच रहा था? यही सोच रहा था कि यह सफर आखिर इतना लंबा क्यों है। तब मुझे इस बात का पता चला कि समय हर किसी के लिए कुछ न कुछ सोच कर रखता जरूर है, और समय यह कह रहा है कि उन दोनों की मौत अब निश्चित है। पर बहुत संभल कर रहना होगा, माधव कोई आम इंसान नहीं है। जानता हूं, हर एक के लिए गोली निर्धारित है, उनके लिए भी है। मरता हुआ माधव जब रहम की भीख मांग रहा होगा, उस समय मेरे पिताजी की भटकती हुई आत्मा को जरूर शांति मिलेगी, इसका मुझे पूरा यकीन है। उसके बेटे का तो बेहतर इंतजाम करूंगा। बस इतना ही काफी। जय। लगता है लाखों के जाली नोट है। पीछे 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 आप लोग पीछे हटिए। बहुत बड़ा घपला है ये। पीछे, पीछे, अब ये तो पता नहीं कि कहाँ पे प्रिंट हुए हैं, पर यहाँ भेजने में जरूर ISI का हाथ होगा। ड्राइवर के बारे में कुछ पता चला क्या? नहीं सर, जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से वो फरार है, हमारी तलाश जारी है। तलाश जारी रखो सर, और जैसे ही कुछ पता चले मुझे इन्फॉर्म करो सर। हीरो बनता है, कितनी बार कहा है मैंने तुमसे गाड़ी चलाते समय हीरोगिरी नहीं। उस SP ने चारों तरफ नाकाबंदी कर रखी है इसको पकड़ने के लिए। तो मैं अब कहाँ छिपाएं इस निकम्मे को? घबराने की बात नहीं है, मैं ऐसी जगह छुपाऊंगा कि कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। कौन है आप, यहाँ क्यों आए हैं? हम कौन हैं? ये जानना कोई जरूरी नहीं SP साहब, ये बताइए आपको कितना चाहिए। What do you mean? इतना भी नहीं समझते, जितनी पगार मिलती है तुम्हें उसमें घर चलाना भी मुश्किल होता होगा। ये वो काम है जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दाम बोलो। अभी भी नहीं समझे? ठीक है फिर हम समझा देते हैं। जिस फेक करेंसी भरे एम्बुलेंस को तुमने जब्त किया है उसे केस बुक से तुम मिटा दो, फाड़ के फेंक दो। उसके बदले तुम्हें कितना चाहिए वो हमें बता दो, सब कुछ यहीं खत्म कर दो अभी इसी वक्त। दाम बताओ। तुम लोगों ने मुझे क्या भिकाऊ समझ रखा है? सर इन सबको पकड़ के भीतर डालो। अगर तूने कॉपरेट नहीं किया तो ऐसी जगह भेजूंगा कि चाहकर भी कॉपरेट नहीं कर पाओगे, यही तरीका होता है मेरा। चौबीस घंटे की मोहलत दे रहा हूं, मतलब एक दिन। मेरी बात मान गए तो ठीक, नहीं तो इस कागज की तरह तुम्हारे इतने टुकड़े करूंगा कि सात पुस्तक नहीं ढूंढ पाएगी। तुम रो क्यों रही हो माँ? वो रोएगी चंद्रा, अगर बेटे की जिंदगी खतरे में हो तो माँ जरूर रोएगी। ऐसा कुछ नहीं है सर, वो लक्ष्मीपुर के सदानंद, मुकुंद और उनके साथ तीन लोग और थे। तीन? कौन थे वो तीन लोग? इससे पहले मैंने इन्हें कभी नहीं देखा, पर शायद इनकी पहुंच ऊपर तक है, क्योंकि इस घटना के तुरंत बाद आईजी साहब का मैसेज आया था कि उन पर कोई एक्शन ना हो। अभी तो तुम्हें सिर्फ मैसेज ही आया, इन्वेस्टिगेशन के दौरान हो सकता है तुम्हें सस्पेंड करें या तुम्हारा ट्रांसफर हो जाए। चाहे कोई भी एक्शन ले ले, मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूंगा और उन्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। मुझे जानना है कि वो लोग कौन है, भले ही मुझे सर्विस से डिसमिस कर दिया जाए पर मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाला। इतना गुस्से में आकर फैसला मत करो, पागलपन है ये। दुश्मन को कभी खुद से कमजोर नहीं समझना चाहिए। SP ऑफिस को जो लोग तहस नहस कर सकते हैं वो साधारण लोग नहीं हो सकते। उन लोगों से लड़ने के लिए तुम्हें सोच बदलनी होगी, दिमाग ठंडा करो। आप ही बताइए माधव भैया कि अब मैं क्या करूं। पापा, इस माँ की आंखों में मैं आगे से कभी आंसू नहीं देखना चाहता, और ठीक उसी तरह हम पड़ोस के गांव में ये जो घटना घटी है एम्बुलेंस वाली, उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तुम कहना क्या चाहते हो? वो जो एडवोकेट है ना आपके दोस्त, उनको फोन कीजिए और उनसे कहिए कि SP साहब की मदद से केस को जल्द से जल्द कोर्ट में पुट अप करें। सेक्शन 164
इसके तहत गवाहों को रिकॉर्ड किया जाता है और इनकी गवाही मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड की जाएगी, इसलिए चाहते हुए भी वो गवाहों को बदल नहीं सकता। बहुत बड़ी जांच पड़ताल होगी और ये काम करेगी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। शंकर जी, आप यहाँ ऐसे खड़े क्यों हैं? लॉयर को फोन लगाइए। ठीक है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि एसपी साहब को मैं सही सलामत कोर्ट के अंदर ले जाऊं। ये जमाल की जुबान है। माधव भैया, जब डिपार्टमेंट के अपने ही लोग दगा दें तो दुश्मन के सामने इस तरह खाली हाथ जाना अच्छा नहीं होता। रख लो इसे। अब आप यहाँ से जल्दी निकल जाइए। मजीद, तुम अपनी टीम को कोर्ट के पास लेके आओ। अयप्पन से कहो कि कोर्ट तक जाने वाले सारे रास्ते पर नाकाबंदी करते हैं। अज्जू, पापा को पता चल गया? किसी को पता नहीं चलेगा। तुम गाड़ी आगे लो जमाल। चौबीस घंटे खत्म हो चुके हैं। यह है एडवोकेट अरुण जी, हमारे फैमिली लॉयर। योर ऑनर, हमारे देश के विषय में कुछ ऐसी संवेदनशील जानकारियां हैं जो बहुत मायने रखती हैं, देश की सुरक्षा से जुड़ी हैं, जिसकी जानकारी हमारे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस चंद्रशेखर को मिली। उसे हम कोर्ट के सामने पेश करना चाहते हैं। केस की अहमियत को देखते हुए इससे संबंधित गवाही को सेक्शन 164 के तहत रिकॉर्ड किया जाए और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये केस सौंप दिया जाए। बस मुझे यही कहना है। कानून के मुताबिक गवाही देने वाले के साथ लॉयर और जज के अलावा यहाँ कोई भी नहीं रह सकता। बाकी लोग इस कमरे से बाहर चले जाएं। एडवोकेट मनीलाल भी। एडवोकेट मनीलाल, आपको भी बाहर जाने के लिए कहा है। अपॉलोजीज मिलॉर्ड। जब एसपी चंद्रशेखर से उस दिन तुमने कहा कि तुम उसे छोड़ोगे नहीं, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि तुम वाकई ऐसा कुछ करोगे, पर तुमने कर दिखाया। लेकिन मैजिस्ट्रेट के सामने वो जो गवाही रिकॉर्ड होने वाली थी वो अब नहीं हो पाएगी। अब इस चीज को लेकर ना जाने कितना बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा, पता नहीं कितना बड़ा होगा। अरे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, समझे? मरने वाले एसपी चंद्रशेखर और मणिलाल के बीच पहले से दुश्मनी थी। पैसों को लेकर अनबन हुआ करती थी। पीने के बाद उन दोनों में हमेशा झगड़े हुआ करते थे। आने वाले दो तीन दिनों में पुलिस के साथ साथ ये सारी बातें मीडिया में भी पहुंच जाएगी और हमारा ये काम करेंगे पुलिस डिपार्टमेंट के ही लोग। बाद में सारी बातें दब भी जाएंगी। सही कह रहा हूँ ना? लेकिन उस वकील ने अगर कहीं मुंह खोल दिया तो? नहीं खोलेगा, कभी भी नहीं खोलेगा। क्योंकि हमारा जो एडवोकेट है उसकी पत्नी के नाम पर हमने बहुत बड़ी जमीन रजिस्टर करवा दी। जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ वो हमें धोखा नहीं देने वाला है। अगर दे भी दिया तो और भी वकील हैं। सेम ओल्ड स्टोरी, कहानी वापस पहले से ही शुरू हो चुकी है। एंड द सेम ओल्ड मैन, माधव। यही है वो अच्छू, माधव का बेटा। आने दो, सबको आने दो। शिकार करने का मजा भी तभी आता है जब शिकार अपने बिल से बाहर निकल आए। लगता है अब इस खेल में बहुत मजा आने वाला है। आ जाओ आ जाओ।
क्या चाहिए? जिंदगी को खेल समझ लिया है? तीन चार साथी क्या मिल गए तुझे? तूने सोच लिया कि तू अपनी मनमानी करेगा? मुझे मरने वाला भले ही एसपी चंद्रशेखर था, लेकिन हार मेरी हुई है और जीतने के लिए मैं तुझे मार दूंगा। मारूं? अगर ये ट्रिगर दब गया ना तो तेरी इस खाली खोपड़ी के चीथड़े उड़ जाएंगे। उस एसपी की 13वीं के साथ तेरी भी 13वीं हो जाएगी। क्या बोलता है, दबाओ ट्रिगर? मैंने कुछ नहीं किया। माधव, अरे उसे सुनाने का क्या फायदा, उसे तो गन पकड़नी भी नहीं आती है। हमने किया है ये सब, हम लोगों ने। भूल गए हमें, काफी साल पहले तुम एक आदमी को जानते थे, रामदत्त शर्मा, याद आया? तुम्हारे खेल के चक्कर में हम गांव के बाहर फेंक दिए गए थे। उसी रामदत्त शर्मा के हम बेटे हैं। हमारा लक्ष्य है सिर्फ तुम, चंद्रगिरी का माधव यानी तुम। तो मेरा अंदाज बिल्कुल सही था। तो ये सारी हरकतें जो हैं, शुरू से इन सब के पीछे तुम लोग ही हो। कलापुरा के रामदत्त शर्मा जो तुम्हारे पिताजी थे, उन्होंने मुझे मारने के लिए भाड़े के टट्टू भेजे। इंसानियत के नाते मैंने तुम्हारे बाप को उस समय छोड़ दिया और आज उसके सपोरे आकर मुझे धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे वैसे भी उम्मीद नहीं थी कि रामदत्त शर्मा के बेटे इससे अच्छा काम कर पाएंगे, लानत है। और जिस तरह से आज घिनौने तरीके से तुमने उस कोर्ट रूम में एसपी चंद्रशेखर को मारा है, तुम्हारे लिए जो थोड़ी बहुत भी सहानुभूति थी वो सब आज के आज खत्म हो गई।